तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बजट वायरलेस हेडफोन की जो हमें मिल जाता है म्यूलो की तरफ से। इसका नाम है थंडरस्टक 700। तो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट किए इसके हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसा जो है हमें हेडफोन देखने को मिलता है। तो इस तरीके का बॉक्स जो है हमें देखने को मिलता है, काफ़ी बड़ा बॉक्स है। यहाँ पे म्यूलो का जो हेडफोन है वो बना हुआ है। थंडरस्टक 700 इस प्रोडक्ट का नाम है, म्यूलो की ब्रांडिंग है। इसको पीछे से देख लेते हैं तो कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है, यानी कि 40mm का जो है आपको स्पीकर ड्राइवर मिलेगा, ब्लूटूथ 5.0 का वर्जन मिलेगा, इनबिल्ट बाइक मिल जाएगा, 300mAh की बैटरी मिलेगी और IPX4 सर्टिफाइड है, यानी कि स्वाइट एंड लाइट रेन रेजिस्टेंट इस तरीके का जो है ये मिल जाएगा। फटाफट से इसको जो है खोल के देख लेते हैं, अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है हेडफोन ही मिल जाता है। इसको अभी हम निकाल के थोड़ा साइड में रखते हैं और देख लेते हैं कि इस बॉक्स में और क्या मिलता है। यस, तो यहाँ पे आपको शायद दो केबल इसमें मिली है। एक केबल होगी इसकी USB केबल, यानी कि चार्जिंग वार्जिंग के लिए। तो ये रही USB केबल, और जो ये दूसरी केबल है वो ऑक्स केबल है, यानी कि आप इसको जो है कनेक्ट करके अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आपके हेडफोन की बैटरी वगैरह चली जाती है तो। और इसके साथ साथ कुछ मैनुअल इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं जिसमें जिसको आप पढ़ के जो है इसकी बटन की फंक्शनैलिटी वगैरह को जो है समझ सकते हैं। तो इन सबको अभी साइड में रखते हैं और पास से थोड़ा सा जो है हेडफोन को देख लेते हैं। ब्लैक से कलर में आपको मिल जाता है, दोनों तरफ म्यूलो लिखा हुआ है। उसके बाद ये ईयर कप्स जो हैं वो ग्रे कलर में आपको मिलते हैं और काफ़ी सॉफ्ट है, लेफ्ट और राइट दोनों। और राइट वाले में जो है आपको सारी फंक्शनैलिटी देखने को मिलती है, लाइक बटन्स वगैरह। यहाँ पे ऑक्स केबल मिल जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पे USB पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए, LED लाइट मिल जाती है और ये माइक का सपोर्ट जो है आपको इसमें मिल जाता है। और यहाँ पे जो है ये एक स्ट्रैप है, हेड स्ट्रैप, यहाँ पे रबर का दिया है उन्होंने, कुशन नहीं दिया है। इसका रीज़न ये है कि आप इसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हाइट एडजस्ट आप कर सकते हैं अपने हेड के हिसाब से, जो है इसका साइज़ जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो दिखने में और क्वालिटी वाइज जो है ये हेडफोन मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। अब इसका जो है पूरा एक रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी डिज़ाइन की। तो गाइज ये पूरा हेडफोन आपको प्लास्टिक बिल्ड में मिल जाता है, तो इसको आपको थोड़ा केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये जो आप दो स्पीकर देख रहे हैं लेफ्ट और राइट, ये जो है इस पर कुशन जो लगा हुआ है वो ओवर अराउंड द ईयर वाला जो कुशन होता है वो है, यानी कि आपके पूरे कान को ढक लेता है। उसके साथ राइट वाला जो स्पीकर है उस पर आपको सारी फंक्शनैलिटी देखने को मिल जाती है, लाइक सारे बटन्स और माइक ऑक्स केबल वगैरह का जो है सब कुछ आपको राइट वाले में मिलता है। लेकिन ये जो बटन्स है वो अलग अलग फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि वॉल्यूम अप के बटन को अगर आप डबल बार प्रेस करते हैं तो आप नेक्स्ट सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं, वहीं अगर आप वॉल्यूम डाउन के बटन को डबल बार प्रेस करते हैं तो आप प्रीवियस सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं, और प्ले पॉज के बटन को अगर डबल बार प्रेस करते हैं तो आप रीसेंट कॉल कर सकते हैं। तो गाइस इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे ठीक ठाक ही लगी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइक ऊपर का जो हिस्सा है वो मुझे थोड़ा पतला लगा है। अगर ये थोड़ा थिक और होता तो ज़्यादा बेटर होता। और इसमें जो है आपको रबर की जो है पैडिंग मिल जाती है, आपको कोई जो है लाइक सॉफ्ट सी पैडिंग जो ईयर कप्स में होती है उस तरीके की पैडिंग नहीं मिलेगी। उसके अलावा इसके जो ईयर कप्स हैं इसकी खासियत ये है कि आप इसको निकाल के वॉश कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके कान में बहुत दिनों तक लगे रहते हैं और गंदे हो जाते हैं और इन्फेक्शन वगैरह होने का भी थोड़ा डर रहता है। तो इसको जो है आप आराम से निकाल के इसको धो सकते हैं और फिर से लगा सकते हैं। तो ये जो चीज़ है मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है। अब अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो गाइज़ इसमें हमें जो है ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है, और गाइज़ अभी के टाइम पर ब्लूटूथ 5.0 बहुत ही अच्छा वर्जन है ब्लूटूथ का, क्योंकि वो लो पावर कंजप्शन के साथ आता है, यानी कि बैटरी वगैरह जो है जल्दी ड्रेन नहीं होती है। उसके साथ साथ इसको जो है मैंने फ़ोन से कनेक्ट करके फ़ोन को साइड में रख के घर में घूमा हूँ इसको पहन के, तो अच्छा खासा जो है रेंज दे देता है, लाइक मुझे साउंड में कोई ब्रेक वगैरह जो है कनेक्शन लॉस वगैरह की ऐसा कुछ दिखा नहीं है। लेकिन इसको मैंने कॉल क्वालिटी के टाइम पे भी यूज़ किया है, लेकिन इसका जो लाइक कॉल क्वालिटी की कनेक्टिविटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसका माइक जो है आपको राइट वाले में मिलेगा, लेकिन माइक की क्वालिटी मुझे इतनी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है। अगर आपको कॉल पर इसको पहन के बात करनी है तो आपको थोड़ा तेज़ बोलना पड़ेगा जब सामने वाले को सुनाई देगा। उसके साथ साथ बाकी की जो ओवरऑल कनेक्टिविटी है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, और ये जो है 10 मीटर तक की जो है रेंज आपको दे देता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी लाइफ की। तो इस सेगमेंट में म्यूलो ने तो मेरा दिल से ही जीत लिया गाइस, क्योंकि बहुत ही कमाल की बैटरी लाइफ ये दे देता है। इसको मैंने 0 से 100% चार्ज किया, करीब 1 घंटे 45 मिनट में ये फुल चार्ज हो गया था। उसके बाद इसने मुझे 8.5 घंटे तक का जो है प्लेबैक टाइम दिया है, काफ़ी अच्छा टाइम है, क्योंकि अभी भी इसमें जो है बैटरी बची हुई, इसको मैं थोड़ा और यूज़ कर सकता हूँ, तो काफ़ी कमाल की बैटरी मिल जाती है। कि उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है इसका ब्लूटूथ 5.0, इसमें ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है, तो जिसके कारण पावर कंजप्शन वगैरह जो है काफ़ी कम होता है, बैटरी ड्रेन नहीं होती है, और इसमें आपको 300mAh की जो है बैटरी मिल जाती है। तो गाइस बैटरी लाइफ के मामले में मेरे को जो है इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी है।
अगर इसकी बैटरी एंड भी हो जाती है तो इन्होंने जो है ऑक्स की फंक्शनैलिटी दी है, लाइक अलग से एक वायर दिया है तो उसको आप यूज़ करके अपने म्यूजिक को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फाइनली बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यानी कि इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। तो गाइज इसका साउंड जो है मुझे लाउडनेस के मामले में काफ़ी बढ़िया लगा है क्योंकि इसका लाउडनेस बहुत ही ज़्यादा आपको मिल जाता है। बेस वगैरह भी इसमें अच्छे मिल जाते हैं, लाइक इसमें आपको बिल्कुल हैवी सा बेस नहीं मिलता है, बढ़िया बैलेंस बेस मिलता है जिसके कारण साउंड जो है काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस होता है। पंची बेस इसमें आपको नहीं मिलता है, वोकल्स भी इसमें बढ़िया है। लाइक ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, अगर आप बेस वाला सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं तो आप रियली अच्छे से इन्जॉय कर सकते हैं। उसके साथ साथ वोकल्स वाले में जो है ये ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू बेस वाले जो सॉन्ग्स होते हैं उसके कंपैरिजन में। उसके साथ साथ मुझे जो एक सिंपल एक इशू लगा है वो ये है कि इसको अगर जब मैं अपने फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ और अपने फ़ोन के थ्रू जो है वॉल्यूम को पूरा बढ़ा देता हूँ, लाइक 100% कर देता हूँ, फिर भी इसमें जो है 100% नहीं होता है। फिर मुझे अलग से जो इसमें बटन दिया है उसको प्रेस करना पड़ता है, वॉल्यूम अप को बटन को दबाना पड़ता है, उसके बाद इसकी वॉल्यूम जो है 100% होती है। और अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया है, अच्छा बेस और अच्छा वोकल्स आपको इसमें सुनने को मिल जाता है। तो इस हेडफोन को मैंने अलग अलग डिवाइस में कनेक्ट करके भी यूज़ किया क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ हेडफोन को फ़ोन के लिए ही नहीं लेते हैं, अलग अलग डिवाइस में भी कनेक्ट करते हैं और यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने लैपटॉप में इसको कनेक्ट किया और उसमें जो है मुझे साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिली और कनेक्टिविटी भी जो है मुझे अच्छी मिली, लाइक सेम मिली जो मेरे फ़ोन में मिल रही थी। अगर आपके लैपटॉप में इक्वलाइजर वगैरह है तो आप उसको ऊपर नीचे करके इसके थ्रू अच्छा साउंड प्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको जो है अपने स्मार्ट टीवी से कनेक्ट किया तो गाइस स्मार्ट टीवी पे कनेक्ट करने पे मुझे थोड़ा सा इशू फेस करने को मिला, लाइक जब मैंने इसको कनेक्ट करा और मैं थोड़ा दूर गया तो टीवी में जो लाइक ऑडियो और वीडियो चल रहा था उसमें सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर नहीं था, लाइक अलग अलग जो है ऑडियो वीडियो चल रहा था, तो इस तरीके का लैग जो है मुझे स्मार्ट टीवी पे कनेक्ट करने को मिला। बहुत सारे कमेंट मुझे आप लोगों की तरफ से मिलते हैं पबजी से रिलेटेड कि यार पबजी के टाइम पे वायरलेस ईयरफोन या हेडफोन का परफॉर्मेंस किस तरीके से होता है। तो मैंने इसको जो है पबजी खेलते टाइम भी यूज़ किया है और मुझे कोई भी इशू फेस करने को नहीं मिला है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे गेमर है या प्रो गेमर है तो आप इसका जो ऑक्स है उसको यूज़ कर सकते हैं, तब आप एक भी सेकेंड का लाइक नैनो सेकेंड का भी जो है साउंड लैग नहीं मिलेगा। ओवरऑल मैं इतना कोई ज़्यादा प्रो गेमर नहीं हूँ तो मुझे इतना कोई इशू जो है फेस करने को नहीं मिला है। तो पबजी के लिए भी ये काफ़ी बढ़िया हेडफोन बाहर निकल के आया है। अब बात करते हैं मेरे ओवरऑल ओपिनियन की। तो गाइस अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह करते हैं और उसके लिए आपको एक बजट वायरलेस हेडफोन चाहिए तो ये जो हेडफोन है काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है क्योंकि ये जो है फिटिंग वगैरह इसमें मुझे काफ़ी कंफर्टेबल मिली है, लाइक इसको आप लॉन्ग टाइम के लिए पहन के यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें आपको रबर की जो है पैडिंग मिल जाती है तो आपके सर पे पसीना वगैरह नहीं आएगा अगर आप रनिंग वनिंग के टाइम पे इसको पहन रहे हैं क्योंकि इसमें आपको होल वगैरह मिल जाते हैं तो कंफर्टेबली जो है आपके सर पे फिट रहेंगे। उसके साथ साथ अच्छी साउंड क्वालिटी भी दे देते हैं, अच्छी कनेक्टिविटी भी दे देते हैं और बैटरी लाइफ तो ये अच्छी देते ही है। अगर आप इस हेडफोन को परचेस करना चाहते हैं तो इसकी बेस्ट बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहां से जाके इनको परचेस कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आप लोगों को ये रिव्यू वीडियो अच्छा लगा हो। और एक और अपडेट आप लोगों को देना, तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो गिव अवे वाली वीडियो होने वाली है। तो फाइनली हम हमारे चैनल पर पहला गिव अवे करने वाले हैं और बहुत अच्छे सरप्राइज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो गाइस उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप लोग मेरे से कनेक्टेड रहे और मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं और उसकी जो वीडियो है वो एक या दो दिन में अपलोड हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट अच्छी रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।